देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा रखी है। लगातार कोरोना संक्रमित आंकड़ों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, यहां तक कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसको देखते हुए पंचकूला में कोरोना स्थिति पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और SCS आलोक निगम की अध्यक्षता में जिला के आला अधिकारियों की एक बैठक की गई। पंचकूला में हुई इस बैठक में कोरोना मरीजों के लिए प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस समय पंचकूला में रेमेडी इंजेक्शन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है, क्योंकि पंचकूला को मिलने वाली ऑक्सीजन का सप्लाई का सेंटर बद्दी से बदलकर रुड़की कर दिया गया है और इसी के चलते थोड़ी देरी से ऑक्सीजन मिल रही है और इसको लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलकर केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे कि पंचकूला को दिए जाने वाली गैस की सप्लाई बद्दी से की जाए। पंचकूला में कोविड की स्थिति को लेकर के हमारे ACS आलोक निगम जी और पंचकूला प्रशासन के अन्य सभी अधिकारी, उनके साथ पंचकूला में कोरोना की स्थिति के ऊपर पूरी तरह से डिस्कशन हुई है। चाहे वो ऑक्सीजन गैस की कमी को लेकर के है, वेंटिलेटर्स हैं, या जो नए बेड्स जो हैं उनको क्रिएट करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई, उन सभी चीज़ों के बारे में प्रशासन से विचार विमर्श हुआ है। जहां तक बेड्स की अवेलेबिलिटी है, मैं समझता हूं कि बेड्स की कोई कमी पंचकूला के अंदर नहीं, और ना ही जिस प्रकार से सरकार ने जो रेमेडीज इंजेक्शन्स हैं उसकी भी कोई कमी आज यहाँ पर नहीं। थोड़ा ऑक्सीजन की लेकर के चिंता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटर है वो सप्लाई सेंटर वो बद्दी से बदल करके रुड़की कर दिया, उसके करने से थोड़ा सा देरी में यहाँ हमें ऑक्सीजन मिल रही है। उसमें ये तय किया कि आज ही मुख्यमंत्री जी से मिल करके केंद्र सरकार से बात करेंगे कि भी हमें जो पंचकूला है वो गैस की सप्लाई जो है वो यहाँ बद्दी से की जाए, ताकि हमारे पास गैस की पूरी व्यवस्था हो सके। आपको बता दें कि इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करने की अपील की, साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से नियमों की पालना करवाने के निर्देश दिए। पंजाब के सिटी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट।